कोर्ट सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में आंध्र सरकार को नसीहत कोर्ट ने दी थी। पिछली सुनवाई 30 सितंबर को हुई थी, जिसमें आंध्र सरकार को भी नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी, भगवान को राजनीति से दूर रखने की बात कही थी। और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी कि दोनों ही पक्षों को सुनने वाला है। तिरुपति लड्डू विवाद पर यह अहम सुनवाई का दिन आज। सुप्रीम कोर्ट में पहले ये मामला सुना जा चुका है और इसमें आंध्र सरकार को नसीहत दी गई थी। महापाप ये जो हुआ है तिरुपति मंदिर के प्रसाद में, उसको लेकर आगे क्या रुख रहता है कोर्ट का, ये भी काफी हद तक देखना दिलचस्प रहने वाला है कि कोर्ट क्या रहता है इस पर रुख। और आंध्र सरकार को नसीहत भी दी थी कि भगवान को कम से कम राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है, उस प्रसाद में जो घी है, यानी कि जिस घी से लड्डू बने, उस घी में मिलावट की बात कही गई। मिलावट में कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी मिलावट नहीं, बल्कि उसमें बीफ, पशुओं की चर्बी, लार्ड, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल मिला होने की बात सामने आई। और अब इसको लेकर जांच तेज कर दी गई है। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन सुनवाई का है। आयुष, आज कितने बजे सुनवाई है और आज क्या रुख रहेगा, मतलब आगे और सुनवाई की डेट दी जाएगी? फैसले का दिन तो नहीं है आज? जी नहीं, देखिए फैसले का दिन आज नहीं है, आज 10:30 बजे इसकी सुनवाई होनी है। दरअसल जो ये सुनवाई थी ये कल शाम को होनी थी, लेकिन कल शाम को समय कम होने की वजह से और सॉलिसिटर जनरल ने जो समय मांगा था अपना जवाब दाखिल करने के लिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे तक स्थगित कर दी थी। यानी 10:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी और इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आज कोई फैसले का दिन नहीं है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसला आएगा वो उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आएगा। सबसे पहली और अहम टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी वो ये थी कि हमारे देवी देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। देखिए ये अहम बात इसीलिए है, और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को टारगेट करते हुए नहीं बोला, ये दोनों तरफ की बात की गई। देखिए अगर मिलावट पाई भी जाती है तब भी कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात सामने आएगी, और अगर मिलावट नहीं होती है और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं तो भी इसमें सीधे तौर पर राजनीति नजर आ रही है। तो दोनों ही मामलों में राजनीति से दूर रखने के लिए कहा गया है भगवान को। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई कि किसी भी प्रकार से अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक सम्माननीय पद पर बैठे हैं, तो आपके द्वारा दिया गया बयान, आपके द्वारा दी गई स्टेटमेंट लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचती है। तीसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई वो ये थी कि अगर कोई माननीय यानी कोई डिग्निटरी, कोई किसी भी पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कहीं ना कहीं जो हृदय है वो जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ी हुई है, तो उस बात को अक्सर लोग सच मान लिया करते हैं और ऐसे में लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हो सकता है। चौथी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई वो ये थी कि अगर आप मिलावट को लेकर श्योर नहीं है या किसी भी लैब रिपोर्ट के आधार पर आप ये बोल रहे हैं, तो बिना पुष्टि के आधार पर आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे लोगों का विश्वास उस संस्थान से हट जाए। पांचवी और सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई वो ये है कि भले ही कोई डिवोटी हो या ना हो, लेकिन देखिए गौ मास एक ऐसी चीज है, फिश ऑयल एक ऐसी चीज है, जो जाहिर सी बात है ऐसे मंदिरों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती जो वैष्णव संप्रदाय से हो, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, वहां पर प्याज और लहसुन खाना भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में अगर गौ मास पाया जा रहा है या फिर पाया जा रहा है कि जो गाय की चर्बी है का तेल, मछली का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। आज जो सुनवाई होगी अहम सुनवाई होगी और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला भी सुना दे। जी जिस तरीके से आपने कहा कि आज सुना जाएगा इस पूरे मामले को, आगे आने वाले दिनों में फैसले तक बात पहुंच सकती है, साथ ही साथ राजनीति से दूर रहने की बात भी इसमें कही गई है। जिस तरीके से आयुष यहाँ पर लोगों का पहुंचना होता है, हजारों लाखों की संख्याओं में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, उन्हें प्रसाद के तौर पर दिया जाता है, क्या किसी तरह के चेंजेस भी इसमें किए गए हैं कि लड्डू जिनके जरिए बन रहे हों या फिर जिस तरीके से बन रहे हों उस पर भी निगाह रखी जाए, ये ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन? जी नहीं, देखिए ऐसा कोई सीधा इंस्ट्रक्शन नहीं आया है और इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि जब मौजूदा मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी कि पहले गाय की चर्बी का और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता था उस घी में जो तिरुपति लड्डू को बनाने के लिए, तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको रुकवा दिया गया। उन्होंने ये बात बोली कि हमारी सरकार ने इस चीज को जाना, इसको मापा और इसको तुरंत रुकवा दिया गया है। अब जो प्रोसेस से लड्डू बन रहा है वो प्रोसेस गलत नहीं है, ताकि लोग जो मंदिर आ रहे हैं उनका विश्वास किसी तरीके से डगमगा
मंगाए ना, हाँ। जो लोग मंदिर आ रहे हैं वो लड्डू और प्रसाद इसी प्रकार से खरीदे, इसी प्रकार से भगवान को अर्पित करे, जैसे पिछले कई सालों से होता हुआ। यानी कि जब ये खबर सामने आई तो फिर राज्य सरकार की ओर से स्टेप लिया गया कि जो घी पहले इस्तेमाल हो रहा था वो तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और अब दूसरे शुद्ध घी के साथ में प्रसाद बनाया जा रहा है। आयुष, कोर्ट पर निगाह रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी